नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल दिल्ली खजाना में। चलिए बात कर लेते हैं भाईजान सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 को लेकर। वैसे तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जवान के साथ साथ, जवान के प्रमोशन के साथ साथ, फिल्म रिलीज के साथ साथ ये लोग टाइगर का भी प्रमोशन कर देंगे। टाइगर 3 इस साल की आने वाली वन ऑफ दी मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है, जिसमें सलमान साहब का जलवा तो दिखेगा, साथ ही साथ सलमान खान कैटरीना कैफ का जलवा दिखेगा, इमरान हाशमी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज अ विलन नजर आ सकते हैं, और साथ ही साथ शाहरुख साहब की जबरदस्त एंट्री होगी टाइगर के साथ, यानी कि पठान और टाइगर हमें दोबारा से देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये सब तो ठीक है, ये सब तो होगा ही होगा, ये तो बट ऑब्वियस है, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड कैमियोज की बात हो रही है, जैसे कि वॉर 2 के विलन की बात। ये बात तो मैंने आपको बताई थी कि जूनियर एनटीआर ने इतना अच्छा काम किया आरआरआर में कि उन्हें यशराज ने साइन कर लिया है वॉर 2 के लिए। वॉर 2 में वो एक बहुत बड़े विलन का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, और जूनियर एनटीआर क्या शानदार एक्टर हैं, वो हमने आरआरआर में देखा है। अब जहाँ पे अगर बात करें इनकी, जूनियर एनटीआर की, तो ये विलन तो बनेंगे, लेकिन इनकी कुछ झलकियाँ जो हैं वो टाइगर 3 में भी नज़र आएंगी। दोस्तों आपको बता दूँ तो टाइगर 3 के भले ही कुछ भी चीज़ें अभी रिवील नहीं हो रही हैं, लेकिन हाँ इंटरनल अपडेट आने शुरू हो गए हैं, जिसमें कि वॉर 2 की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी बैकड्रॉप जो है वो सलमान खान के वहाँ से शुरू होगी, क्योंकि ये सारे इवेंट्स जो हैं ये एक साथ कोलैबोरेट करे गए हैं। तो ऐसे में टाइगर जिंदा है, फिर वॉर, फिर उसके बाद पठान, एंड नाउ इट्स टाइगर 3। तो ये सारे जितने भी इवेंट्स हुए हैं इनको कल्टिवेट करके वॉर में भी प्रस्तुत किया जाएगा, वॉर 2 में भी प्रस्तुत किया जाएगा, और इसके बाद वॉर 2 आपको आएगी, ये तो मैंने आपको बताई थी, फिर उसके बाद जो है टाइगर वर्सेस पठान आएगी। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इंटरनल सोर्सेज के अपडेट हैं कि जो जूनियर एनटीआर वॉर 2 में विलन बनते हुए नजर आएंगे, उनके कुछ पोर्शन, कुछ चंक्स जो हैं वो इस फिल्म के अंदर होंगे, यानी कि टाइगर 3 के अंदर, जिसमें कि सलमान खान उन्हें उनके साथ मुठभेड़ होती हुई नजर आएगी। सलमान खान और जूनियर एनटीआर की मुठभेड़ होती हुई नजर आएगी, एक्शन सीन्स होंगे, और उस या फिर कुछ ऐसा होगा जो कि आगे आने वाली स्टोरीज को टीज करेगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे थानोस को करते थे ना ये लोग, हर एक उसमें टीज करते रहते थे थानोस को, या फिर मार्वल वाले आगे आने वाले विलन्स को टीज कर देते थे, तो ऐसे ही कुछ समथिंग यहाँ पर टीज किया जाएगा, जो कि पोस्ट क्रेडिट सीन में भी डाला जा सकता है या फिर मेन फिल्म के अंदर भी डाला जा सकता है। ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। वैसे जूनियर एनटीआर का जब से नाम सामने आया है और जब से उनको इन कर लिया गया है वॉर 2 के लिए, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज जूनियर एनटीआर साहब का एक अलग ही जलवा है लिटरली। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि ऋतिक रोशन वर्सेज जूनियर एनटीआर ये क्या बवाल मचाएगी। दोस्तों आपको क्या है कहना इस बारे में, कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, बहुत ही एक्साइटिंग खबर है। जैसी मुझे पता चली मैंने कहा तुरंत इस पर अपडेट दो। आपका रिएक्शन ज़रूर बताइएगा। चलता हूँ।